दुबई में खेले जा रहे एशिया कप 2018 के पांचवें और ग्रुप ए के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 163 रनों का लक्ष्य रखा है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में सिर्फ 162 का स्कोर ही बनाया। बाबर आजम ने 47 और शोएब मलिक ने 43 रनों का योगदान दिया। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और केदार जाधव ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए। इस मैच की विजेता ग्रुप बी में टॉप पर रहेगी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और पिछले मैच की टीम में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। भारतीय टीम में दो बदलाव हुए और खलील अहमद एवं शार्दुल ठाकुर की जगह हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तान की शुरुआत हालांकि बेहद खराब रही और पांचवें ओवर में 3 के स्कोर पर दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। भुवनेश्वर कुमार ने इमामुल हक और फखर जमान को सस्ते में आउट किया। इसके बाद बाबर आजम ने शोएब मलिक के साथ मिलकर टीम को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 82 रन जोड़े, लेकिन 22वें ओवर में कुलदीप यादव द्वारा बाबर आजम को आउट करने के बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और केदार जाधव ने 3, जसप्रीत बुमराह ने 2 और कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया।